गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में और दोस्तों यूपीपीसीएल स्पेशल टेस्ट का एक और धमाकेदार टेस्ट तो दोस्तों आज जो टेस्ट देने वाले हैं बिल्कुल शानदार शानदार क्वेश्चन आएंगे सीआईटीएस का जो दोस्तों प्रीवियस ईयर का दो का क्वेश्चन पेपर है तो आ जाइए दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और मेरे भाइयों जो जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन को चलिए गुड इवनिंग अर्जुन भाई अर्जुन यादव जी वेरी वेलकम गुड इवनिंग विजय गुर्जर जी वेलकम भाई चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों नमस्कार नमस्कार मेरे भाई अमरजीत जी नमस्कार शक्तिकांत जी हाय हेलो चलिए विजय जी विकार बन बहुत अच्छा संजीव भाई नमस्कार नमस्कार राम अवतार सैनी जी चलिए नमस्कार दोस्तों एक बार जल्दी से शेयर कर दो मनीष वेलकम दोस्त एक बार जल्दी से सभी मेरे भाई शेयर कर दो चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा जल्दी जल्दी शेयर करो भाई उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज इस जबरदस्त सेशन को और दोस्तों जो अपना सी का पेपर हुआ था दो का इलेक्ट्रिकल का उसके आज टॉप मोस्ट अच्छे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जो भी भाई जुड़ चुका है एक बार जल्दी से शेयर कर दो हाँ बस दो मिनट लीजिए संजीव भाई कह रहे हैं बस दो मिनट बिल्कुल जल्दी से सभी दोस्त शेयर कर दो जल्दी से शेयर कर दीजिए जब तक मैं आपका बिल्कुल सेट कर लेता हूं इस पूरे सेटअप को चलिए चलिए जुड़ जाओ जुड़ जाओ आ चुके हैं चलिए तो क्लास स्टार्ट करें फिर दोस्तों नहीं अभी तक कुछ अपडेट नहीं है मनीष पटेल जी चलिए राजेश भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग राम अवतार जी चलिए दोस्तों जल्दी से बताओ अभी आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है ना वॉइस क्लियर आ रही है स्टार्ट करें फिर दोस्तों सचिन गुजर भाई बिल्कुल वॉइस क्लियर है ना जल्दी से बता दो भाई उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ओके okay, पहला भाई वेलकम चलिए चलिए सबका गया बहुत अच्छा स्टार्ट है, करते हैं चलिए तो दोस्तों आप सभी के सामने पहला प्रश्न आ रहा है अपना पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों ए आज इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो आप आराम से देख सकते हैं एक बुलकोहस रिले खालिस्तान पर स्थापित किया जाता है जल्दी से बताएंगे दोस्तों ए, एयर एयरकूल्ड ट्रांसफार्मर के लिए बी बेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए सी ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों डी ठंडा तेल ट्रांसफार्मर के लिए जल्दी से आंसर दीजिएगा पहले प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों एयर कूल्ड के लिए बेल्डिंग के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों ठंडा तेल के लिए आंसर जल्दी से जल्दी दीजिएगा और दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोगों को आंसर देने के साथ ही जिन भाइयों ने शेयर नहीं किया शेयर कर दो चलिए अशोक जी सोनी जी वेलकम वेलकम आ जाओ भाई जुड़ जाओ जुड़ जाओ जल्दी जल्दी चलिए बिल्कुल डीएमआरसी उन्नीस फरवरी का करा चुके हैं। मनोज भाई करा चुके हैं प्ले लिस्ट में जाके देख लो दोस्त, दोस्त। तो बहनों के वर्मा जी श्रीकांत जी बिल्कुल आप ए दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों लगभग सभी का है ठंडा तेल ट्रांसफार्मर ठीक है दोस्तों कैसा है इसका ठंडा तेल ट्रांसफार्मर मतलब कि दोस्तों आपका जो ऑयल कोल्ड होता है ऑयल के द्वारा ठंडा होता है वो ट्रांसफार्मर में आपको रिले यूज किया जाता है ठीक है दोस्तों चलिए देखो दोस्तों इसका जो यूज करते हैं कहां करते हैं ठंडे जहां पर हम ऑयल से यूज करते हैं देखिए कैसा होता है मान लीजिए देखो ये तो होता है एक ऊपर का कंजर्वेटर टैंक नीचे होता है एक मेन टैंक बड़ा टैंक जिसमें ऑयल भरी होती है ठीक है दोस्तों ऊपर खाली होता है या आधा भरा रहता है बीच में एक पाइप के द्वारा दोनों जुड़े होते हैं एक पाइप के द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाता है और उस पाइप के बीच में ही दोस्तों आपकी कौन सी रिले लगी रहती है बुलकोज रिले लगी रहती है, दोस्तों? बुलकोज रिले रिले लगी लगी रहती रहती है 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 ठीक दोस्तों जो जो कि ये ऑयल होता इसके पर वर्क करती है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन संख्या दो की ओर चलते हैं दोस्तों आंसर दीजिएगा बिल्कुल भाई लाइव है लाइव आ जाओ जल्दी से एक इंडक्शन मीटर खालिस्तान तक धारा संभाल सकती है तो भाई एक इंडक्शन मीटर है आपका एसी का मीटर है वो कितनी धारा संभाल सकता है मैक्सिमम हंड्रेड एम्पियर टेन एमपियर ट्वेंटी दीजिएगा जल्दी से जल्दी दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन संख्या दो आ चुकी है दो में एक लॉक कर दिया जाए बिल्कुल हंड्रेड लॉक कर दिया है मेरे भाई बिल्कुल चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने दो आ चुकी है और दोस्तों जल्दी से शेयर करो भाई शेयर तो कर ही दो यार स्टार्ट हो चुका है टेस्ट और दीजिए स्टार्ट बिल्कुल एक घंटे का रहेगा आज टेस्ट लगभग घंटा चलिए तो दोस्तों अगर संख्या दो की बात करें क्या कह रहा है दोस्तों एक इंडक्शन मीटर।, तो मीटर मतलब जो एसी के जितने भी मीटर है तो दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे सभी भाई बहन की राइट आंसर हो जाएगा इसका हंड्रेड एम्पियर ठीक है दोस्तों चलिए सर मोहन गोपी चलिए तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हंड्रेड एम्पियर राकेश सैनी जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी जल्दी कैलाश जी आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई जल्दी छत्तीस लोग अभी बहुत कम है हंड्रेड एम्पियर ठीक है दोस्तों तो, तो ये याद कर लेना क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आइए प्रश्न संख्या तीन की ओर चलते हैं जिनको नहीं दिख रहा है वो सुन लेना हो सकता है लेकिन आप अगर रेजोल्यूशन बढ़ा के देखोगे तो दिखेगा निम्न में से कौन सा एक डीसी मशीन में ध्रुव सूझ का कार्य नहीं है ध्रुव का कार्य नहीं है जल्दी से आंसर दोस्तों पहला क्वेश्चन का आंसर है ए फील्ड का समर्थन करना बी बेहतर एक रूपता से फैलाना सी चुंबकीय फ्लक्स सॉरी चुंबकीय पथ की रिलेक्टेंस को कम करना या दोस्तों डी ऑप्शन में है आपका एडी धारा नुकसान को कम करना मोहन भाई सही मैंने लाइक कर दिया है थैंक यू दोस्त चलिए आंसर दीजिए दोस्तों निम्न में से कौन सा एक डीसी मशीन के ध्रुप शूज का कार्य नहीं है जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न संख्या तीन आप सभी के सामने आ चुकी है चलिए इंग्लिश वाले भी देख लेना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए पोल शूज इन ए डीसी मशीन तो आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई नहीं कहेगा हिंदी का प्रॉब्लम है इंग्लिश का है बिल्कुल शानदार तरीका आंसर दीजिए दोस्तों भाई बहुत कम लोग है कम लोग है क्लासेस लगता है थोड़ी सी चलिए चलिए भाई रामकेश मीणा जी हेलो दोस्त चलिए तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा लगभग मैं देखिए सभी का आंसर देख लेता हूं उसके बाद मैं आंसर देता हूं आप लोग ये मत महसूस करो बहुत टाइम लेते हैं थोड़ा आंसर भी टाइम दिया करो दे आप लोगों को देने तो देखो दोस्तों ये है ध्रुप सूज अब ध्रुप सूज क्या होते हैं पोल शू भाई पोल शू कैसे होते हैं पोल का शू देखिए कैसे होता है देखो ये आपकी मशीन है ये मशीन का क्या है स्टेटर पार्ट है गु, नए घूमने वाला और इसी को पोल बने होते हैं क्या बने होते हैं दोस्तों पोल और पोल के आगे इसके थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पोल शू ठीक है दोस्तों दो? तो पोल के जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसे ही कहते हैं हम पोल शूस का काम क्या होता है दोस्तों एक तो जो वाइंडिंग होती है ना पोल पे उसको बाहर नहीं निकलने देता दूसरा जो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको एक रूपता से चार ओर फैलाने के पथ को आसानी प्रदान करता है ना तो उसका परिपथ का विरोध कम से कम करने देता है ठीक है तो रिलेक्टेंस भी कम से कम करता है तो चलिए देखते हैं एक पहला ऑप्शन फील्ड कॉयल का समर्थन करता है एकदम सही करता है दोस्त तो उसको रोके रखता है बी बेहतर एक रूपता बनाए रखता है चार और फ्लक्स को बराबर बनाता है चुंबकीय पथ के की रिलेक्टेंस को कम करता है बिल्कुल रिलेक्टेंस को भी कम करता है रिलेक्टेंस क्या होता है दोस्तों जो चुंबकीय बल रेखाएं होता है उनका विरोध तो उनका विरोध कम से कम करने देता है और लास्ट ऑप्शन दे रखा है एडी धारा को कम करना भाई एडी धारा के लिए ये वर्क नहीं करता है तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई बहनों राइट आंसर हो जाएगा इसका डी यानी चार ऑप्शन भाई काम नहीं है बाकी तीनों काम तो भाई कर लेता है क्लियर है एक बार यस क्या यह चीज आपको समझ में आ गई तो कि ये चारों ऑप्शन में से चौथा ही क्यों आंसर होगा चलिए बहुत अच्छा शानदार सर आज सिर्फ थर्टी वन है बिल्कुल चलिए एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास लगाएं थोड़ा मेरे हिसाब से ना जल्दी रेगुलर भी नहीं आते लड़के चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन संख्या चार की ओर देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके चार आ चुकी है आंसर दीजिए स्थायी मैग्नेट सामान्य रूप से खालिस्तान के बने होते हैं परमा मैगनेट परमानेंट मैग्नेट आर तो, नॉर्मली मेड बाय किसके बने होते हैं ए एलिको मिश्र धातु के बी ढलवा लोहे के सी कच्चा लोहा या डी एल्यूमिनियम आंसर ठोक दीजिए दोस्तों आंसर दीजिए चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है वेलकम वेलकम दोस्तों भाई आप लोग अपने भाई बहनों को सबको बुला लो भाई दोस्तों को शेयर कर दो तो फिर मजा आ जाएगा बाकी क्लास तो चल रही है खैर चलिए चलिए अभी मत जाइए अभी रुक जाइए मैं टाइम दूंगा बीच में जब आप शेयर करने जाना अभी नहीं अभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो देखो दोस्तों स्थाई मैग्नेट बनाना है और लगभग मेरे सभी भाई बहन कह रहे हैं ए इसका राइट आंसर विष्णु जी रामकेश के जी आदित्य जो जी सोनी भाई विष्णु विकास आदित्य शानदार लगभग सभी कह रहे हैं ए और एकदम सही है दोस्तों आप लोगों का आंसर एल निको। एल निको एक मिश्र धातु है मिश्र धातु धातु समझते हो दो या तीन धातुओं को मिलाकर एक बनाई जाती है तो एलनीको कोई खुद एक धातु नहीं है ये एक दो तीन धातुओं का मिश्रित रूप है किन कौन सी धातुओं का मिश्रित रूप है जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त किस किस धातु का मिक्स है तो दोस्तों सबसे पहले एलनिको में एल्यूमिनियम जो ए आता है ना इससे क्या हो जाएगा ए जो स्टार्टिंग वाला है उससे तो एल्यूमिनियम बन जाएगी कौन सी एल्यूमिनियम रहती है दोस्तों जो नी है दोस्तों नी से क्या बनेगा निकिल क्या बनेगी दोस्तों निकिल होती है और दोस्तों को होती है उससे बनता है कोबाल्ट क्या बनता है दोस्तों कोबाल्ट और इसके अलावा बस ओनली एक लोहा और जोड़ दो जिसको इसमें दर्शाया नहीं गया है ठीक है तो चारों धातुएं मिलकर बनती है आपकी एलनिको और याद करने का तरीका सिंपल सा है इसी के अंदर देखो एलनिको में ही छुपा हुआ है मिश्र धातुओं का नाम ए से एल्यूमिनियम नी से निकिल को से कोबाल्ट और लोहा आपको अपनी तरफ से दे देना है सस्ता है ना इसलिए खुद दे देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चीजें देखो इस तरीके से याद करोगे तो भूलोगे नहीं अब आगे 100 परसेंट आपको ये चीज याद हो जाएगी कि एलनिको का नाम कैसे भाई कौन कौन सी धातुएं होती हैं तो आपको जनरली यूज आ जाएगा कि कैसे याद हो जाएंगी ठीक है याद हो गई ना एक बार चलो जल्दी से बताओ कि आप कभी भूलोगे एलनी को कभी पूछे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे आ जाए कि को धातु में, में कौन कौन सी धातु होती है और ऑप्शन में ये चीजें आपकी आ जाए सुधा देवी जी वेलकम वेलकम चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा फास्टली फास्टली एक बार जल्दी से बताओ चीज समझ में आई ना कभी नहीं भूलेंगे बहुत अच्छी बात है नहीं भूलेंगे बहुत अब देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बहुत अच्छी बात है चीजें समझ में आ रही है सबसे बड़ी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए नाइस ट्रिक ट्रिक बिल्कुल सही चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या पांच की ओर देखो दोस्तों मेरा थोड़ा सा एक दिक्कत है सबसे बड़ी मैं थोड़ा टाइम लेके चलता हूं क्वेश्चन में आप लोग समझते होंगे यार एक घंटे में तीस पच्चीस तीस क्वेश्चन कराते हैं लेकिन दोस्तों हंड्रेड परसेंट ये ही देता हूं वो बीस पच्चीस क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे ईजिली आपको ज्यादा उस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा दोबारा भूलोगे नहीं ठीक है तरीके से समझोगे तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ये सिंपल सा क्वेश्चन है पीसीबी किसका होता है पीसीबी का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइएगा सकारात्मक वोल्टेज कंडक्टर दबाए गए वार्निश के लिए कपड़े का क्लोराइड या दोस्तों पोस्ट वार्निश कंडक्टर आंसर दीजिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है सभी का आंसर सही आना चाहिए प्रश्न संख्या पांच का आंसर लगभग सभी मेरे भाई बहन सही देंगे कोई गलत नहीं देगा क्योंकि सिंपल सा है और आंसर एक भाई एक ही बार दो एक भाई एक बार दे दे तो बहुत है मैं देख लूंगा आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आंसर मुझे दिख जाता है चलिए बहुत अच्छा शानदार शानदार देखिए यहां पर संजीव भाई सुधा जी विष्णु मनोज भाई संजी, संजीव सचिन संजीव राजीव विजय चलिए विकास भाई मनोज भाई चलिए भाइया कल्याण मल गुजर राइट आंसर एकदम सही आ रहा है दोस्तों आप सभी का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके लिए सी पॉलीविलाइन क्लोराइड दोस्तों फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है कई एग्जाम्स में ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छा शानदार तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पॉलीविलाइन क्लोराइड एक अर्ध चालक होती है अब भाई पोलिफिन क्लोराइड है तो क्या है एक? अर्ध चालक नहीं सॉरी माफ करना अचालक चालक इंसुलेटर ठीक है चलिए अचालक अब देखिए अब आप लोग कीजिए एक छोटा सा काम पांच क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं छठवा क्वेश्चन में लाऊंगा तीस सेकंड का हम ब्रेक लेते हैं जैसा कि तो दोस्तों अब अपना प्यार दिखाओ और एक बार मेरे भाइयों रिक्वेस्ट है आप लोगों से देखिए अड़तीस लोग देख रहे हैं अड़तीस से चालीस तो देखो मान लीजिए चालीस लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोग शेयर करोगे तो एक एक भी आएंगे तो एट्टी प्लस तो नॉर्मल पहुंचेंगे तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए प्लीज रिक्वेस्ट सभी भाइयों से उसके बाद हम ब्रेक नहीं लेंगे कंटिन्यू चलेंगे बीस पच्चीस क्वेश्चन तक प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी मेरे भाई बहन इतनी सी बात मान लीजिए एक बार शेयर कर दीजिए उसके बाद दोस्तों देखिए धमाका होगा शानदार वाला क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है आपका सीआईटीएस में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है दो हजार का अब देख लीजिए कैसा पेपर आता है आप लोग ठीक है चलिए जल्दी से आंसर आंसर तो दे दिया है बहुत अच्छी बात है अब एक बार शेयर करो भाई प्लीज रिक्वेस्ट थर्टी नाइन लोग देख रहे हैं आप लोग शेयर करेंगे तो अभी फटाफट यहां पर एट्टी प्लस पहुंच जाएंगे गारंटी है नीरज भाई अच्छा सर जी ओके ओके जल्दी शेयर कर दो भाई ना टाइम मत मतलब फास्टली कर दो हाँ पेपर अच्छा है अच्छा है टेंशन मत लीजिए अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे आगे शेयर कर दो बस हाँ शेयर कर दो मोनू भाई भी करें तो बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों शेयर कर दो बस उसके बाद अपन को कोई टेंशन नहीं है मस्त तरीके से पेपर करेंगे चलिए ज़्यादा लोग होते हैं तो देखो एक आप में भी हम में भी सब में क्या होता है एक एनर्जी आती है बिल्कुल और एनर्जी बनेगी तो और अच्छी चीजें हमारे और आपके दिमाग में आएगी चलिए चलिए जल्दी शेयर कर दिया कर दो कर दो भाई जल्दी जल्दी कर दो भाई हाँ पी लिया पानी पी लिया मेरे भाई नमस्कार विजय भाई नमस्कार नमस्कार भाई हाँ लाइक तो करो चाहे मत करो भाई शेयर कर दो लाइक तो आपके ऊपर लाइक के लिए मैं नहीं कहूंगा कभी क्लास में आपसे लाइक के लिए कहा कहेगा आपको पसंद आए तो लाइक करना है बाकी शेयर कर दिया करो बस इतनी सी हेल्प कर दिया करो क्या है कि आ, ठीक है आप लोग जितने ज्यादा होंगे हमें भी मजा आता है कर दिया है चलिए आ जाओ फिर तो अब सारे दोस्त एक बार यस कर दो ठीक है स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं रुकेंगे हम पंद्रह क्वेश्चन से पहले दस क्वेश्चन कंप्लीट खत्म करेंगे अब मैंने पांच ग्रुप में कर दिया थैंक यू थैंक यू दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कासिम भाई वेलकम चलिए चलिए बहुत अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पल। बिल्कुल आगे सभी दोस्त आगे चलिए तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह की ओर बुरा मत माना करो कुछ लोग कहते हैं कि शेयर शेयर करते रहते हो तो। भाई आप लोग बस इतना सा करते हो पढ़ाई में हम आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे ठीक है कभी किसी दिक्कत नहीं आई नहीं आ रही है नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता वॉइस आनी चाहिए वर्मा जी एक बार चेक करो अपना है ना विकास भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छह नंबर का कुछ। एक और गेट का आउटपुट लो हो है। लो का मतलब समझते हो कम जब कब होता है दोस्तों आउटपुट लो जब दोस्तों उसके सभी इनपुट हाई होने चाहिए या सभी इनपुट लो होने चाहिए या कोई भी इनपुट हाई हो, ए, कोई भी इनपुट हाई है या कोई भी इनपुट लो है चलिए आंसर दीजिए देखो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वाले है ना वैसे इलेक्ट्रिकल में भी ये चीजें तो नॉर्मल है आप तो दे देंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिए सभी फोर्टी सिक्स जो भी देख देख रहे हैं सबका आंसर आना चाहिए आ, आ रही है वॉइस ओके ओके चलिए चलिए आंसर दो भाई आंसर दो फटाफट चलिए देखिए आंसर यदि मैं देख पा रहा हूं तो लगभग सभी कह रहे हैं कि बी बी ऑप्शन दे रहे हैं चलिए बहुत अच्छा शानदार चलिए चलिए बहुत अच्छा देखिए दोस्तों आंसर मैं देख पा रहा हूं तो कुछ बी कह रहे हैं कुछ ए कह रहे हैं कंफ्यूजन है मतलब इस क्वेश्चन में चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं दोस्तों देखिएगा और है ना क्या होता है और और का मतलब मतलब एक और एक दो और बोलते हैं ना हम और मतलब कि जोड़ होता है दोस्तों क्या होता है जोड़ ठीक है और एक होता है एंड देखो दो चीजों में कंफ्यूजन होती है हमेशा एक और होता है और एक होता है एंड गेट ठीक है ठीक समझ गए अब देखो जब किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो मान कम आता है देखो अब याद करने का तरीका एंड और और में ज्यादा आएगी डिफरेंस नहीं कहीं याद हो बता रहा हूं देखो जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो मान कम आता है इसलिए दो वाला छोटा वाला है ना दो दो ही अक्षर है और दो चीजों को जब गुणा करते हैं तो मान ज्यादा आता है इसलिए बड़ा तो देखो गुणा कब करेंगे जब एंड होगा जोड़ कब करेंगे जब और होगा ठीक है तो और में आपको क्या करना है भाई मेरे जोड़ करना है और आपको मान कैसे लाना है दोस्तों कह रहा है कि आउटपुट में लो लाना है तो भाई जोड़ के देख लो चार सिचुएशन होती है है को जोड़ते हैं तो एक आता है, भाई लो आया क्या नहीं हाई आ रहा है लो का मतलब, जीरो आना हाई का मतलब एक आना चाहिए बस देखो पहली कंडीशन में तो जीरो प्लस वन दूसरी कंडीशन में वन प्लस जीरो इधर भी आ गया अपना तो ये भी हाई आ गया अगली कंडीशन होती है दोस्तों वन प्लस वन कितना आएगा दोस्तों यहां भी वन आता है टू मत कर देना मैथमेटिक नहीं लगेगा यहां पर ना वन प्लस वन भी बन आ गया तो ये भी मान हाई आ गए तो तीनों कंडीशन में हाई आ गया लेकिन दोस्तों जीरो प्लस जीरो करोगे यानी दोनों लो मान लोगे तो फाइनली उसका मान भी क्या आएगा जो आउटपुट आएगा वो भी लो आएगा यानी कि उस सारे इनपुट कैसे होने चाहिए लो होने चाहिए तभी जाके उसका आउटपुट हाई आता है और गेट के अंदर ठीक है दोस्तों समझ गए ना क्लियर ओवर गेट पढ़ना है एंड को छोड़ दो एंड में हम ज्यादा भी उलझेंगे नहीं ठीक है बाकी उसमें गुणा करना होता है गुणा करना सबको आता है बस उससे आप कर सकते हो ठीक है तो और गेट क्लियर है तो और गेट का जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि सभी इनपुट होने चाहिए लो होंगे तो ही आंसर सही आउटपुट लो आएगा <coughs> चलिए ठीक है दोस्तों तो राइट आंसर इसका टू हो जाएगा क्लियर है ना बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन संख्या सेवन की ओर एक और धमाकेदार प्रश्न कि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की चमकदार दक्षता चमकदार दक्षता कितनी होती है दोस्तों बताइएगा ल्यूमन एफिशियंसी प्रश्न संख्या सात आपके सामने आ चुके हैं फिफ्टी वन लोग देख रहे हैं फिफ्टी वन मेरे भाई देख रहे हैं अभी हंड्रेड हो जाएगा अगर आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे तो होगा बिल्कुल परसों की क्लास में भी तो आपने वन फोर्टी सेवन लाए थे ना तो आज भी एक बार कोशिश करेंगे चलिए अभी दस बारह क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद एक बार फिर शेयर कर देना चलिए मजेदार बहुत अच्छा देखिए शानदार शानदार आपके आंसर आते जा रहे हैं बहुत अच्छा देखिए नाइनटी नाइन परसेंट लोग आंसर लगभग सही दे देते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी चल रही है वैकेंसी की आपको जरूरत है बहुत अच्छा तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या सात बिल्कुल सही है सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव ल्यूमन वार्ड होती है दोस्तों किसकी फ्लोरोसेंटिव की दक्षता याद रखना है दोस्तों ये तो याद करनी ही पड़ेगी यस yes, होगा आज वन फिफ्टी थैंक यू टेक्निकल क्लासेस भाई बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो बहुत आगे तक चलेंगे छे का आंसर हिंदी में गलत है देखते हैं भाई क्या दिया है कौन बोल रहा है मनोज शर्मा जी सभी इनपुट लो होंगे भाई सही तो है इनपुट ऑल इनपुट आर लो क्या प्रॉब्लम है दोस्त दोनों सही तो दो है बिल्कुल सही है मनोज शर्मा जी भाई ऑल सभी इनपुट लो होंगे ऑल इनपुट आज लो सेम चीज ही तो है हिंदी में कहा गलत है चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या आठ आठ की ओर चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या आठ देखिएगा अल्टरनेटिव धारा लेने वाली जो एक केबल होती है उसमें बताइएगा केवल स्टेरिसिस रिसाव और तांबे का नुकसान होता है स्टेरिसिस रिसाव तांबे और घर्षण का नुकसान होता है केवल स्टेरिसिस का नुकसान होता है या स्टेरिसिस एवं रिसाव का नुकसान होता है दोस्तों कहने का मतलब है ये मेरा एक तार है वायर होता है ना वायर तो जानते हो केबल उसके अंदर से मैं ना पहुंचा रहा हूं एसी करंट अल्टरनेटिव करंट तो दोस्तों इसमें से कौन कौन सा लॉस होगा पूछ रहा है सिंपल क्वेश्चन है जल्दी से बता दीजिए आंसर प्रश्न संख्या आठ देखिए प्रश्न अगर आप समझ जाते हो तो यूं मान लीजिए फिफ्टी परसेंट आंसर तो आपको आ चुका है ठीक है और फिफ्टी परसेंट आपकी फिर स्टडी के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों ठीक है क्वेश्चन समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है बहुत अच्छा शानदार मजेदार देखिए आंसर बहुत टॉप क्लास आते हैं आप लोगों के मुझे ज्यादा मेहनत अब करने की आवश्यकता नहीं लगती है शायद लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत लोग मात खा रहे हैं इस क्वेश्चन में बहुत लोग मात खा रहे हैं लगभग सभी मेरे भाई बहन ए दे रहे हैं ए दे रहे हैं कुछ लोग बी पे भी चल रहे हैं भाई ए दे रहे हैं चलिए मानते हैं दोस्तों भाई एक वायर है दोस्तों इसमें तांबा हानि बिल्कुल होती है क्या वाइंडिंग में होती है यार देखो वाइंडिंग में होती है देखो धारा ढोने वाली एक केबिल में होता है अब में कॉपर लॉसेस कहाँ होता है देखो कॉपर नहीं मिलता है उसमें इसमें दोस्तों वाइंडिंग वाइंडिंग में होता है कॉपर लोसेस कभी भी ध्यान रखना ठीक है तो क्योंकि वाइंडिंग कितनी गर्म होती है आपको पता है ना हाथ लगाने से तो जब कॉपर भाई वायर आपका इतना कभी गर्म नहीं होगा क्या आपको हाथ लगाने से पता लग जाएगा वाइंडिंग देखो आप तो मतलब एक टेम्परेचर होता है का उसके बाद जाके वो खपत करना स्टार्ट करता है तो आपका जब केबल में जाएगा ना तो वहां पर की खपत है। है? बोलते हैं कि तो है खिंचरा पड़ रहा है योगेश सैनी और विकास भाई जबरदस्त आप लोगों ने आंसर दिया है आशीष गहलोत भाई आपकी तरफ से भी अच्छा आंसर आया है तो डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थोड़ा सा फोकस करो देखो चीज पे ये वायर जाता है वायर में कभी भी कॉपर लोसेज मत बता देना दोस्तों हालांकि कॉपर का वायर होता है है ना बिल्कुल मानते हैं लेकिन दोस्तों इसमें कभी भी आप कॉपर लोसेज मत बता देना क्योंकि कॉपर लोसेज बहुत ज्यादा गर्मी के बाद हीट के बाद होता है ठीक है आई स्क्वायर आर बहुत ज्यादा करंट जाएगी उसके बाद तो करंट इतना जाता नहीं उसमें तो देखिए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कि केबल हिस्टेरिसिस और रिसाव रिसाव हो सकता है कि उसकी चीज में कोई अगर टच टच में आ जाए या फिर थोड़ा सा उसमें से इधर उधर रिसाव हो सकता है हिस्टेरिसिस तो होता ही होता है ठीक है दोस्तों बाकी केबल हिस्टेरिसिस तो ये भी सही है क्योंकि लेकिन इसके इससे ज्यादा अच्छा ये ऑप्शन होगा तो राइट आंसर इसका डी होगा चलिए आंसर इसका क्या होगा दोस्तों डी होगा ओके चीजें क्लियर है ना बिल्कुल संजीव भाई ये कौन सी लैंग्वेज में डी लिख रहे हो छोटा चल के पिर... बहुत अच्छा आपका बिल्कुल सही सर ओके चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नो की ओर देखिएगा जिनको नहीं शो हो रहा है वो मेरे से सुन लीजिएगा क्वेश्चन ठीक है आइए सिस्टम में पावर फैक्टर को उच्च रखा जाता है थोड़ा सा अपना रेजोल्यूशन बढ़ा के देखना अच्छा देखेगा सिस्टम में पावर फैक्टर को उच्च रखा जाता है पहला ही ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी कारणों से ठीक है दूसरा ऑप्शन देखा जनरेटर लाइनों में, में ट्रांसमिशन की क्षमता उपयोग को अधिक करने से सी में देखा लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन को कम करने से और डी में देखा लाइन नुकसानों को कम करने से आंसर दीजिएगा दोस्तों आंसर दीजिएगा लिखिए मैंने हटा लिया जो पेन का निशान भी आया था वो चलिए हाँ अश्वनी जी आपको जो पूछना है वो आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं अभी ये, ये इश्यू नहीं है अभी क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए प्लीज चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा आंसर दीजिए फास्टली आंसर दो आंसर दे जाओ आपको जो भी कुछ पूछना है वो सारी आप बाय क्लास के बाद में आप पूछ सकते हैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए व्हाट्सअप कर लिया करो टेलीग्राम कर लिया करो एक्स्ट्रा एक्सट्रनल जो चीजें पूछनी है बिल्कुल बताएंगे दोस्तों आपकी हेल्प करेंगे जो भी अगर कोई पर्सनल यूट्यूब चैनल भी खुद चलाते हैं तो बिल्कुल चलिए तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही करें यहां पर लगभग सभी मेरे भाई बहन सही है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो दोस्तों कि सिस्टम का पावर फैक्टर उच्च रखना है पावर फैक्टर उच्च कब रखोगे देखो लाइन में नुकसान होगा तो गिरावट होगी ना तो लाइन नुकसान को भी ज्यादा मतलब जो आपकी पोल टू पोल जो लाइन जा रही है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए दूसरी बात वोल्टेज रेगुलेशन भाई वोल्टेज रेगुलेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपका क्या होगा दोस्तों पावर फैक्टर अच्छा हो जाएगा और जो बी ऑप्शन है कि जनरेटर लाइन और ट्रांसमिशन की क्षमता भाई जनरेटर और ट्रांसफार्मर की क्षमता अच्छी होनी चाहिए देन ही तो वो ओके होगा डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुए आप वहां से देख लो ए ऑप्शन उपयोग सभी तो ऑल राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए योगेश आई एम न्यू स्टूडेंट ओके थैंक यू दोस्त आ जाइए जाइए जुड़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर का क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट होता है किस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट होता है तो ये इसी थ्योरी अच्छे से मतलब दिमाग पक गया होगा सुन सुन के तो आप तो ये बता देंगे बिल्कुल एक झटके में ए और बी दोनों यानी ए और दो दोनों कैपेसिटेंस परिपथ में प्रतिरोध परिपथ में या इंडक्टेंस में जल्दी से बताओ दोस्तों आंसर दीजिएगा प्रश्न संख्या टेन का बिल्कुल फास्टली देखिए आंसर आने लगे हैं पर योगेश और आर पी, जी। पी जी भाई आपकी तरफ से योगेश सैनी जी अजय भाई अंकित भाई लगभग सब मेरे भाई कर रहे हैं गहलोत साहब आपने एक ऐसे दे दिया दोस्त जल्दी से यूनिटी पूछ रहा है मेरे भाई यूनिटी यूनिटी का मतलब इकाई इकाई का मतलब एक ठीक है दोस्तों आंसर दीजिए हाँ गुप्ता जी रेजिस्टेंस बहुत अच्छा तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी मेरे भाई बहन कह रहे हैं कि प्रतिरोध देखो दोस्तों क्या होता है हमने कल परसों जब एसी सी थोड़ी पड़ी थी उसमें समझा था कि अपने दोस्तों रेजिस्टेंस तीन मतलब अपना जो एसी सर्किट होता है ना एसी सर्किट उसमें परिपथ तीन प्रकार के होते हैं एक आर होता है एक एल होता है एक सी होता है आर यानी जो नॉर्मल प्रतिरोध जो सी ऑप्शन है एल यानी इंडक्टर जो कि डी ऑप्शन है सी यानी कैपेसिटर जो बी ऑप्शन है अब तीनों के ऊपर बात करते हैं तो जो आर होता है ना इसमें धारा न तो आगे होती है ना पीछे होती है साथ साथ चलती है वोल्टेज के साथ साथ चलती है वोल्टेज के इसलिए दोनों का अंतर बनता है जीरो डिग्री उसकी वजह से यूनिटी पावर फैक्टर उसे हम कह सकते हैं बात करते हैं इंडक्टर की यानी एल यानी चौक देखो दोस्तों चौक क्या करता है चौक आपने पता है टू प्लेट में क्यों लगाते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए इनिशियल वोल्टेज तो ये वोल्टेज को आगे लेके जाता है ऐसे याद कर लो कि चौक क्या काम करता है वोल्टेज बढ़ाता है कैसे याद रखोगे कि ट्यूबलाइट में चौक लग रहा है उसका क्या काम होता है वोल्टेज बढ़ाना तो ऐसे आपको याद रह जाएगा वोल्टेज बढ़ाता है यानी वोल्टेज को आगे लेके जाता है करंट पीछे तो करंट पीछे तो लैगिंग पावर फैक्टर ठीक है करंट पीछे तो लैगिंग और दोस्तों कैपेसिटर भाई साहब करंट को आगे लेके जाते हैं वोल्टेज को कह देते हैं आप पीछे रहो तो दोस्तों कैपेसिटर करंट को आगे ले जाता है इसकी वजह से लीडिंग पावर फैक्टर पावर फैक्टर पे हमने अच्छे से एक वीडियो बना रखी है आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है बिल्कुल बिल्कुल विजय भाई बिल्कुल नाम लेंगे तो राइट आंसर दोस्तों आपको पता लग गया और तीनों चीजें समझ में आ गई एक बार यस कर दो कि इंडक्टर समझ में आ गया कैपेसिटर भी समझ में आ गया और प्रतिरोध भी समझ में आ गया बस ये तीन ही तीन ही प्रकार का प्रतिरोध होता है और तीनों के प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो जेड बनता है जिसको हम कह सकते हैं इम्पीडेंस ठीक है दोस्तों यहां तक चीजें क्लियर है ना देखो इतना बहुत लंबा हो जाता है वैसे तो इसी थ्योरी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है बहुत अच्छा चलिए चलिए समझ में आना चाहिए बस समझ में आ गया तो मजा है फिर कोई टेंशन नहीं है ना बिल्कुल दस क्वेश्चन हो चुके हैं फिफ्टी एट लोग देख रहे हैं और अब आप प्यार और मोहब्बत दिखाओ और जल्दी से इसको बढ़ाओ भाई वॉचिंग बढ़ाओ यार ठीक है रिक्वेस्ट है आप लोगों से नम्र निवेदन चलिए आइए ग्यारहवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आइए प्रश्न संख्या ग्यारह का आंसर दीजिए सभी मेरे भाई बहन देखिए विद्युतीय बल्ब का पावर फैक्टर जीरो मतलब जीरो से भी जीरो परसेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम में आना चाहिए था लेकिन फिर भी आया है लीडिंग होना जीरो होता 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 है होता है 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 एकक दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बल्कि सबसे सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं फिर भी इसको पूछा जाता है कि विद्युतीय बल्ब जो आपके घर में लैंप लगा हुआ है बल्ब होता है बल्ब कौन सा वाला भाई बल्ब वो वाला जिसमें दोस्तों ऐसे फिलामेंट देखा होगा ना आपने वाट वाला बल्ब आता है जो बिल्कुल उसकी बात हो रही है दोस्तों ठीक है चलिए चलिए रजिस्टिव दिव्या जी बहुत अच्छा शानदार आपका कमेंट्स चलिए चलिए बहुत अच्छा चलिए देखिए दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब आपने देखा है जिसके अंदर सिर्फ क्या होती है दोस्तों इस तरीके की हीटिंग एलिमेंट होता है एलिमेंट क्या होता है एक वायर होता है ये क्या होता है एक वायर होता है और वायर किसका रूप होता है प्रतिरोध का तो दोस्तों प्रतिरोध होता है आर होता है आर का भी हमने देखा था कैसा होता है यूनिटी होता है एकक होता है इकाई होता है ठीक है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं सभी मेरे भाई बहन देखो विद्युत बल्ब लिखा आ सकता है दोस्तों अगर इसकी जगह विद्युत प्रेस आ सकती है हीटर आ सकता है दोस्तों ये शब्द किस में आते हैं सब एकक में आते हैं यानी जिनमें दोस्तों ना तो आपका देखिए ध्यान रखना आपके घर में जो भी इक्विपमेंट है अगर उसमें चौक नहीं है क्या नहीं है चौक और कैपेसिटर नहीं है दोस्तों अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वो सारे यूनिटी पावर फैक्टर के लिए उत्तरदायी होते हैं ठीक है दोस्तों चीजें क्लियर है ना राइट right आंसर हो जाएगा इसका यूनिटी चौक और कैपेसिटर नहीं होना चाहिए जैसा कि आप कह सकते हो आपके हीटर में चौक नहीं होता है आपकी प्रेस में चौक नहीं होता है आपके और भी छोटे छोटे आपके और जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे आपका बल्ब हुआ इन सब चीजों में क्या होते हैं दोस्तों आपके ये दोनों चीजें नहीं होती है ओनली रेजिस्टेंस की एक कुंडली होती है जिसे हम यूनिटी परफेक्ट वर्क करता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन संख्या बारह की ओर चीजें समझ में आनी चाहिए अच्छे से आना चाहिए बस के, केवल का सर्च वोल्टेज क्या होता है जल्दी से बताओ भैया सर्च प्रतिरोध बताना है ओम 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 या 5 सर्च बताइएगा दोस्तों केवल का सर्च प्रतिरोध सर्च प्रतिरोध बता दो सचिन जी का डेटा खत्म हो गया भाई डेटा रखा करो यार शाम की एक घंटे की क्लास होती है ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिएगा तीन सौ चार सौ एम चाहिए होता है यार डेढ़ दो जी बी डेली आने लगा आजकल तो तो डेटा रखा करो शाम को पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है दिन के वीडियो थोड़ा कम करो देखना ठीक है हालांकि हो सकता है आप पढ़ाई भी करते हो ये नहीं है कि मैं सब टाइम पास की वीडियो देखते हैं लेकिन थोड़ा बचा लिया करो ना अपने लिए भी प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से यार आप लोग आओगे तो फिर हमें मजा आएगा आप लोगों के लिए तो ये क्लास है अपन कौन से यहाँ पर बड़ा चैनल लेके बैठे हैं पढ़ाने या फिर ऐसे जब तक आप लोग हैं हम हैं बस तो आप लोग आओगे तो मजा आएगा चलिए तो दोस्तों बात करते हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जो सी ऑप्शन दे रहे हैं सी होगा दोस्तों इसका D हो D इसका इसका डी डी नहीं नहीं होगा होगा करें ओम ओम जो राइट आंसर ठीक है सर्च प्रतिरोध सर्च का प्रतिरोध का मतलब एक होता है जो मतलब एक निर्भर कर सकता है मतलब जो उस पर सहनशील सकती ठीक है तो ये क्वेश्चन एज ए कोई मोस्ट नहीं है बहुत ये क्वेश्चन है नाइनटी नाइन परसेंट कहीं एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों

टैपिंग जो होती है वो आमतौर तो पर कहाँ प्रदान की जाती है प्राथमिक स्लाइड में द्वितीय स्लाइड में उच्च वोल्टेज स्लाइड में या निम्न वोल्टेज स्लाइड में आंसर दीजिएगा दोस्तों तेरह नंबर का क्वेश्चन का और अभी मेरे को यहाँ लाइक ज्यादा से सॉरी माफ करना ज्यादा से ज्यादा वॉचर चाहिए देखने वाले चाहिए लाइक तो आपकी इच्छा है आप करिए ना करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आप लोग बस शेयर करते जाओ भाई अभी बढ़ने लगे हैं और आप बढ़ाओगे आज 150 वाला एक बार दिखा दो यार एक अभी तक हुआ नहीं है एक रह गए थे पिछली बार क्लास में तो आप लोग सपोर्ट करेंगे प्यार देंगे वन फिफ्टी वन भी हो जाएगा चलिए चलिए बहुत अच्छा देखिए मजेदार आंसर आ रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं बी कुछ लोग कह रहे हैं सी चलिए देखो जो बी कह रहे हैं अभी सारा चीज हम कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं देखो दोस्तों जो सीआईटीएस के आंसर क्यों आई है जो इस पेपर की आंसर की दी थी जो एग्जामिनर जो जिन्होंने भी एग्जाम लिया सी ने जो एग्जाम लिया है उसके अंदर आंसर दे दिया था दोस्तों क्या आपको मैं बता दू आप और हम सोच भी नहीं सकते उसका आंसर दिया उन्होंने फोर निम्न वोल्टेज स्लाइड जो कि लगभग आप में से किसी ने नहीं दिया होगा और बिल्कुल नहीं देना भी है सीआईटीएस ने जो आंसर की दी है उसमें ये दिया मैं आपको पेपर कल ये सेंड करूंगा पूरा का पूरा पेपर तो आप देखना जरूर तो सीआईटीएस ने तो ये तो सरासर गलत है ठीक है रिट भी लगाई होगी तो बाद में सही हो गया होगा लेकिन जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमेशा उच्च वोल्टेज साइड उच्च वोल्टेज साइड जो लोग कह रहे हैं बी द्वितीय साइड में ये गलत है दोस्तों ये गलत है आंसर दोस्तों जो क्या होगा सी इसका राइट आंसर होगा चलिए ट्रिपिंग ऑलवेज एच वी बिल्कुल हाई वोल्टेज सलाइड में अब देखो क्या होता है मैं आपको बताऊं जो कह रहे हैं सेकेंडरी भाई सेकेंडरी में जरूर हो सकता है कि स्टेप डाउन भी तो ट्रांसफार्मर हो सकता है देखो एक तो स्टेप अप होगा तो सेकेंडरी में ज्यादा टर्न हो जाएंगे तो उस समय तो आपका बैठ गया कि सही है भाई बी ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं मैं सी नहीं बी की द्वितीय बैंडिंग बिल्कुल सही है क्योंकि सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है लेकिन भाई स्टेप डाउन भी तो हो सकता है ठीक है क्या हो सकता है डाउन भी हो सकता है अब डाउन पहले से ही कम है भाई सेकेंडरी में और क्या कम करोगे उसमें ट्रिपिंग लेके समझ रहे मेरी बात तो इसलिए कहेंगे चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो हमेशा उसका रिजल्ट आंसर रहेगा वो रहेगा उच्च वोल्टेज साइड प्राइमरी में अगर ज्यादा वोल्टेज है तो वहां ट्रिपिंग वहां अपन टैपिंग लगाएंगे अगर सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है तो वहां टैपिंग लगाएंगे तो आज के बाद आपको आंसर देना है दोस्तों हाई वोल्टेज साइड आंसर दीजिएगा नहीं सर डी होगा भाई डी नहीं होगा दोस्त

हाई हाई जो वोल्टेज साइड होगी वहीं से तो टैपिंग निकालोगे पहले इसमें दस वोल्टेज है अब इसमें टैपिंग निकाल के क्या फायदा ठीक है समझ रहे हो ना कितने बजे से चलती है दस बजे डेली लाइव क्लास चलती है जो पहली बार आए सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और बजे डेली अपने चैनल पर विजिट कर लिया करो आप लोग बिल्कुल हाई वोल्टेज साइड हंड्रेड परसेंट है ना बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्लियर है ये सीटीएस ने गलती से दे दिया होगा हो सकता है इसका बाद में रिवाइज आंसर आया हो अपने पास तो पेपर यही वाला आया है ठीक है दोस्त आर के भाई कोशिश करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज भी आपके लिए यूज करेंगे जितनी हो सकती उतनी तो ठीक है अगर हाई वोल्टेज ऑप्शन में न दिया हो तो हाई वोल्टेज ऑप्शन में न दिया हो बिल्कुल सही है जो कपिल भाई ने क्वेश्चन पूछा है 101 परसेंट आपका लाख टके का क्वेश्चन है दोस्त इस पूरे पेपर में आपने जो क्वेश्चन पूछा है चलो अब इसका आंसर दीजिए सभी दोस्त सभी आंसर देंगे जो एक किसने पूछा ये कपिल भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपके ऑप्शन में ये नहीं है अब आंसर दीजिए जल्दी से सर फास्ट करो फास्ट करो तो आंसर दो इसका आंसर दीजिए कि आपके ऑप्शन में आंसर नहीं है कि सी डी ऑप्शन है सी ऑप्शन नहीं है चलिए गहलोत साहब एकदम शानदार एकदम मतलब टकाटक तक वाला आंसर दे दिया आपने सेकेंडरी हो जाएगा बिल्कुल देखो दोस्तों अगर देखो प्राइमरी अब अब यहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं गहलोत साहब देखो प्राइमरी और ये सेकेंडरी देखो प्राइमरी हमेशा आपको पता है किससे जोड़ी जाती है इस स्रोत से जोड़ी जाती है अब यहां दूसरा लॉजिक ठोकना पड़ेगा हमें स्त्रोत से जोड़ी जाती है तो यहां टैपिंग लेने का कोई फायदा नहीं है भाई लोड तो हम सेकेंडरी में ही जोड़ते हैं ना लोड कहां जोड़ते हैं सेकेंडरी में जोड़ते हैं तो भाई फिर हम देंगे आंसर इसका द्वितीय साइड क्योंकि भाई सेकेंडरी में लोड और लोड के लिए तो हम टैपिंग निकालेंगे स्त्रोत के लिए कभी भी टैपिंग नहीं निकालेंगे ठीक है दोस्तों अच्छा जेड अपॉन आर बता दिया था क्या कोई बात नहीं सॉरी दोस्त आर अपॉन जेड होगा जो अपना पावर फैक्टर का सिंबल होता है वो आर अपॉन जेड होता है मैंने अगर गलती से जेड अपॉन आर लिख दिया तो उसके लिए माफी दोस्त ठीक है पावर फैक्टर का फॉर्मूला जेड अपॉन सॉरी आर अपॉन जेड होता है क्लियर है दोस्तों चलिए आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिव्या जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फोर्टीन नंबर के क्वेश्चन की ओर और, और आंसर दीजिएगा सेवेंटी सेवन लोग देख रहे हैं और यहां अभी वन फिफ्टी पहुंचाना है तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा जो मेरे भाई बहन पहली बार हैं वो जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों चलिए देखिए फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन आंसर देखिए कि बसों ट्रेनों ट्रॉलियों उत्तोलक क्रेनों उच्च गति वाली टॉर्क की आवश्यकता होती है इसलिए इनका उपयोग करते हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है डीसी मोटर से आया हुआ क्वेश्चन है आंसर दीजिएगा दोस्तों इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे सभी विकल्पों का यूज कर सकते हैं या डीसी मोटर डीसी श्रेणी मोटर का या दोस्तों डीसी सेंट मोटर का आंसर दीजिए दोस्तों बसों ट्रेनों ट्रॉली उत्तोलक ठीक है और क्रेन में तो बस ट्रेन ट्रॉली कर और जो क्रेन्स होती है रिक्वायर्ड हाई हाई टॉर्क हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड द देन फॉर मेक यूज जल्दी से बताइएगा इंडक्शन मोटर ऑल ऑफ दीज सीरीज़ मोटर और डीसी शंट मोटर आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों प्लीज फास्ट आंसर चलिए मज़ा आ गया दोस्तों तो ये तो सिंपल क्वेश्चन लगभग सभी को पता भी होगा कि जहां क्रेन ट्रेन होएस्ट बस तीन ही नाम याद कर लो क्रेन ट्रेन होएस्ट जहां शब्द आ जाए वहां चले जाते हैं डीसी मोटर के लिए क्यों भाई क्योंकि दोस्तों टी टी दोस्तो? तो लिए हो जाएगा आपका सी ऑप्शन या तीन नंबर बहुत अच्छा मजेदार आपके आंसर आ रहे हैं उपेंद्र वर्मा जी जबरदस्त चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन संख्या चलते हैं पंद्रह की ओर दोस्तों

देखो माइका का कार्बन का कॉपर या दोस्तों कास्ट आयरन जल्दी से बताएंगे द मेटल ऑफ कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली मतलब आपको सामान्यतः किसका बनाया जाएगा आंसर दीजिएगा फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन पंद्रह नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है आंसर जल्द एक भाई एक ही बार दे बाकी सबको भी देने दो चलिए चलिए बहुत अच्छा मजेदार जबरदस्त देखिए आंसर बहुत अच्छा रहे हैं और लगभग देखो ये तो नाइनटी नाइन परसेंट सबको पता है आपके दोस्तों कोई भी चीज हो कम्यूटेटर के जो ब्रशेस बनाए जाते हैं यानी ब्रशेज आपकी एसी मोटर में भी होते हैं ना ब्रशेज एसी मोटरों में भी होते हैं जैसे आपका ग्राइंडर हुआ मिक्सर हुआ तो उनमें भी होते हैं और लगभग नाइनटी नाइन परसेंट हम जो भी यूज करते हैं वो कार्बन की यूज करते हैं अगर क्वालिटी थोड़ी हाई हो जाए मान लीजिए जा कहते हैं कि भाई हाई मोटर बहुत ज्यादा मतलब की बड़ी मोटर के लिए वहां हम दोस्तों तांबे की भी यूज करते हैं लेकिन दोस्तों तांबा जब देना है ऑप्शन में जब आपका कॉपर ऑप्शन में नहीं हो ठीक है दोस्तों चीजें क्लियर अभ्रक तो कभी देना ही नहीं है ढल लोहे कभी भी नहीं देना है चाहे आंसर क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ जाए ठीक है बिल्कुल तो हाई जो मोटर होती हैं उनमें हम कॉपर का भी यूज लेते हैं अगर ये स्पेशली कि यहाँ यू लिख देता कि बहुत हाई एफिशिएंसी या हाई दक्षता वाली या फिर मतलब कह सकते हैं हाई जैसे अपनी एचपी पी मोटरें होती हैं उनमें अपन दोस्तों तांबे का यूज ले सकते हैं पर 99 परसेंट आपके कार्बन ऑप्शन में आ जाता है कार्बन हम आंसर देते हैं चलिए बहुत अच्छा चलिए आइए तो दोस्तों अभी यहां पर मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा मात्र तीस सेकंड ले लो और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है प्रे है मेरी कि आप लोग एक बार जल्दी से जाके एक बार शेयर कर दो भाई प्लीज शेयर कर दो भाई उसके बाद देखिए मजा आ जाएगा यार आप वन फिफ्टी वन का आज जो टारगेट बनाया वो कोशिश करते हैं हो जाए तो आप एक बार शेयर करो प्लीज जब तक तो मैं भी पानी पी लेता हूं कंटिन्यू बोलते बोलते गला दर्द करने लग गया है ना आप लोग शेयर कर दो प्लीज और जाना नहीं है किसी को भी अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और भी आने वाले हैं थोड़ा सा टफ लेवल आएगा अब आपका असली टेस्ट अब होगा ठीक है तो जल्दी शेयर करने जाओ और फटाफट कर दो जो नए दोस्त हैं वो जरूर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों डेली लाइव क्लास होती है और दोस्तों अब हम पिछले जो पेपर है उन्हीं को लेंगे ज्यादातर बिल्कुल बिल्कुल पवीन प्रवीण प्रवीण शायद नाम था आप लोग कह रहे हैं कि जेवीएनएल का सॉरी यूपीपीसीएल का स्पेशल देखो तो दोस्तों टेक्निकल के जहां भी क्वेश्चन आपको मिले चाहे वो रेलवे में आए हो चाहे वो यूपीपीसीएल हो चाहे डीएमआरसी हो चाहे जेवीएनएल हो कहीं भी किसी भी लाइन मैन हो कोई भी वैकेंसी हो जेई तक के आप क्वेश्चन निकाल लो दोस्तों टेक्निकल में क्या होता है कि कोई सिलेबस फिक्स नहीं है भाई मोटर है मोटर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आके भाई आपने एप बी पर भी कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आप लोग बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम बहुत अच्छा अच्छा क्लासेस यहाँ चलाएंगे आप लोगों के चलिए तो दोस्तों अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर आ जाओ सब लोग आ जाओ चलो हैंड वॉश करके पीना कोई और दूसरा है ही नहीं भाई कमरे में अकेला हूं हैंड वॉश की जरूरत अभी तो नहीं है अकेले अकेले को चलिए आ जाओ भाई पंद्रह नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं आप चलते हैं सोलह नंबर के क्वेश्चन की ओर और, आप लोग सब आ जाओ भैया आ जाओ भाई आ जाओ अब आ गए चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन संख्या सोलह आपके सामने आ चुकी है सिक्सटी नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि तेल या ज्वलनशील तरंग आग बुझाने के लिए उपयुक्त होती है जल्दी से बताओ दोस्तों फायर एक्सटेंशन जो अपना दोस्तों लिक्विड के लिए ठीक है दोस्तों लिक्विड लिक्विड के लिए जो लिक्विड में जो भी अपनी फायर रखती है उसके लिए तो बताइएगा उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं आप ड्राई केमिकल यूज कर सकते हैं फॉर्म यूज कर सकते हैं दोस्तों वाष्पीकरण है या दोस्तों सोडा एसिड आंसर दीजिए दोस्तों प्रश्न प्रश्न संख्या अच्छा है टाइप ऑफ फायर आपको आनी चाहिए अच्छे से ठीक है दोस्तों चलिए चलिए बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन के आंसर अच्छे आ रहे हैं और आप लोगों ने शेयर किया हंड्रेड परसेंट लोग बढ़ेंगे बढ़ेंगे भाई बढ़ेंगे चलिए चलिए बहुत अच्छा देखिए दोस्तों क्वेश्चन की यदि बात करें और अंत तक बने ना सबका नाम भी लेना चाहूंगा मैं है ना बिल्कुल बीच क्लास में क्लास में में नहीं लास्ट की हम जरूर लेंगे एक एक भाई का देखो दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की तो टाइप ऑफ फायर कितने प्रकार की होती है तो देखो दोस्तों बुक में पढ़ते हैं तो चार प्रकार की आ जाती है लेकिन जब फाइनली हम पढ़ने बैठते हैं तो तीन प्रकार में ही खत्म कर देते हैं ठीक है लेकिन आपको बुक वाला ही याद करना है टाइप ऑफ फायर चार प्रकार की आग होती है पहली आपकी लकड़ी कागज में जो आग लगती है वो ए प्रकार की होती है जिसे हम दोस्तों किससे पानी से बुझा सकते हैं टाइप भी प्रकार की जो फायर होती है दोस्तों वो आपकी होती है दोस्तों कौन सी जो ये तेल और तोरा जो तेल या डीजल में पेट्रोल में जो भी आग लगती है वो ठीक है और इसको बुझाने के लिए आपको फोम टाइप चाहिए झाग प्रकार का भाई झाग प्रकार का तो सब जानते हैं तो उसी को झाग प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं फोम टाइप झाग बनाए जाते हैं और जो सो क्या होता है देखो आपको मैं बताऊं अपना लिक्विड है लिक्विड फैल जाता है नीचे से फैल गया अब ये फैल गया है अब इसके ऊपर दोस्तों क्या किया जाता है एक झाग बना के उसके ऊपर डाल दिया जाता है तो झाग की वजह से ऑक्सीजन कट जाएगी उसकी वजह से आग आपकी भूज जाएगी और टाइप सी में कौन सी आती है दोस्तों जो आपकी गैस से आग लगती है गैस से आग लगती है उसको हम दोस्तों किससे तो सी टी सी बेस्ट उसके लिए और जो कार्बन और एक होता है टू प्रकार का वो भी यूज कर सकते हैं और डी टाइप की टाइप ऑफ फायर जो अपनी होती है वो इलेक्ट्रिकल आग होती है और उसके लिए हम दोस्तों कौन सा यूज करते हैं सी टी सी यूज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो समझ गए ना क्लियर है चलिए तो राइट right आंसर इसके लिए हो जाएगा दोस्तों टाइप तो, फोम प्रकार का बी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से याद कर लेना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन संख्या सत्रह की ओर सेवेंटी नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कम हो गए बल्कि बढ़ने की बजाय है खा दो चल तरफ रह गए चलिए शेयर करने बाद सो गए क्या आए नहीं दोबारा चलिए फ्लोरोसेंट लैंप भाई ये एकदम ए वन क्वालिटी का क्वेश्चन है जल्दी से बता दो फ्लोरोसेंट लैंप के प्रभाव के तहत कभी कभी घूर्णित मशीनें यानी घूमने वाली मशीन के पहिए स्थिर दिखाई देते हैं इसका रीजन क्या है दोस्तों बताइएगा बताइएगा पहला क्वेश्चन का आंसर है आपके पास स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव बी उतार चढ़ाव सी कम शक्ति का कारण या दोस्तों ल्यूमेन प्रभाव आंसर दीजिए मतलब दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैंने शायद ये क्वेश्चन पहली बार किसी ए, अस लेवल के पेपर में देखा है देखो ये क्वेश्चन क्या है अब कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कुछ को नहीं आया है जिनको नहीं आया मैं बता दू देखो दोस्तों कभी कभी हम अपने घर में रहते हैं जब सोते हैं तो पंखा ऊपर चलता रहता है रोटेट करता है बिल्कुल और जब थोड़ी सी लाइट कम होती है तो हमें लगता है वो पंखा जैसे कि देखो इस डायरेक्शन ये है मान लीजिए ठीक है इस डायरेक्शन में ओपन घूम रहा है लेकिन पंखा हमें लगता है जैसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है वो भी स्लो घूम रहा है अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है और स्लो घूम रहा है ऐसा लगता है कभी किसी ने देखा है पहले मैं जबरदस्ती मन घन कंप्लाय कर रहा हूं आप लोग बताओ क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हुई चीज दिखाई देती है यस या नो कर देना और वो भी स्लो दिखाई देती है जनरली यूजली आप देखना जब आपकी थोड़ी सी लाइट कम होती है जब आपकी लाइट क्या होती है दोस्तों कम होती है देखा है किसी भाई ने कि नहीं देखा तो देखो दोस्तों देखा होगा मेरे हिसाब से कहीं तो। जैसे पंखा चलता रहता है वो हमें लगता है अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है और बहुत स्लो घूम रहा है ऐसा लगता है कहीं ने नहीं देखा है जिन्होंने देख लेना भाई आज बंद करके तो दोस्तों बस ये भाई पूछ रहे कि भाई ऐसा क्यों लगता है हमेशा नहीं लगता कभी कभी लगता है तो क्यों लगता है तो उसका रीजन है दोस्तों ये जो प्रभाव है स्ट्रेस प्रभाव ये प्रभाव ही होता है कि जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इसके अंदर दोस्तों पावर फैक्टर है ना पी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है पावर फैक्टर क्या हो जाता है दोस्तों कम हो जाता है लेगिंग प्रकार का हो जाता है अब आप लोग कह रहे हो जाता है क्योंकि दोस्तों चौक फ्लोरोसेंट में क्या लगा रहता है चौक लगा रहता है जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर क्या जाता है लेगिंग बहुत होता है और उस लेगिंग की वजह से उस लेगिंग की वजह से हमें वो वस्तु उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में घुमाई देती है जो घूमने वाली वस्तु होती है इस ट्यूबलाइट के फोक्स की वजह से दिखती है वो ठीक है तो फ्लोरोसेंट की ट्यूब की वजह से और जनरली देखना जब ट्यूबलाइट बहुत पुरानी हो जाती है उस समय ये ज्यादा दिखती है तो क्यों भाई चौक अपना काम करता है लैगिंग लैगिंग पावर फैक्टर बहुत ज्यादा होता है उस समय आपको एक काम करना होता है कि आपको उसके साथ साथ कैपेसिटर जोड़ दो तो पैरल में ये चीज खत्म हो जाएगी ठीक है अब ये चीज समझ में आई या नहीं देखो दोस्तों पावर फैक्टर लैगिंग होता है यानी कि अः लेगिंग का मतलब तो समझ रहे हैं ना अब हिंदी तो लेगिंग ये पश्चिम से हिंदी में बोलेंगे तो फैक्टर लेगिंग होता है क्योंकि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर आपका क्या होता है चौक होता है इन जिसे हम कहते हैं अब, ए, इंडेक्स इंडेक्टर ठीक है बिल्कुल बिल्कुल अब ये चीज समझ देखो ये चीज समझ में आई है नहीं सर मैं लेट हो गया कोई बात नहीं सचिन भाई चीजें समझ में यस या नो करो भाई इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों ये चीज भी समझ में आनी चाहिए अब कभी आपसे कोई पूछ ले कि ये स्ट्रो स्ट्रोबोस्कोपिक भाई होता है क्या है तो आप बता सकते हो उसको अच्छे से ये प्रभाव भी समझा सकते हो और क्यों घूमती हुई दिखाई देती है ये यूँ सोच लेते है कि है सो हैं कि यार आंखें यार सोएंगे इसलिए थोड़ा सा थकान की वजह से दिख रही होगी है ना कई बार ऐसा लगता है लेकिन ये चीजें यहाँ क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से चलिए बहुत अच्छा ठीक है तो राइट आंसर इसके लिए ए होगा बी मत देना अभी भी है ना कुछ लोग बी दे रहे हैं अभी भी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन संख्या अठारह की ओर चलो और से कि यह ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर कौन कौन से हैं भाई बताओ एक दो दोनों है एक दो दोनों है या फिर दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर होता है धारा ट्रांसफार्मर होता है या विभव ट्रांसफार्मर होता है मतलब इसमें एक दो तीन तीनों ही एम आई है ना थ्री वन टू यानी ती, तीनों के लिए दे रखा है तो ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं जल्दी से बताओ तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई पावर ट्रांसफार्मर भी होता है करंट ट्रांसफार्मर भी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी होता है पीटी सीटी और पावर ट्रांसफार्मर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि तीनों के तीनों ही ट्रांसफार्मर के प्रकार है चलिए इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे चलिए आगे चलते हैं आज तो हंड्रेड भी नहीं पहुंचा है कोई बात नहीं उन्नीस नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों और आंसर देखिएगा दीजिएगा कम्यूटेटर खंड भाई कम्यूटेटर तो सबने देखा होगा डीसी मोटर में होता है कम्यूटेटर के खंड यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं के मध्य आर्मेचर जो कंडक्टर होते हैं कंडक्टर को जोड़ा जाता है यानी कि दोस्तों ये आपका आर्मेचर है इसमें क्या होती है बाइंडिंग होती है इसमें ये बाइंडिंग के एक एक तार निकलते हैं और यहां एक कम्यूटेटर होता है जिसपे से स्लॉट होती हैं तो इन वायरों को ले जाकर यहां जोड़ दिया जाता है उससे आप क्या कहेंगे ए ब्रेजिंग कहेंगे बी प्रतिरोध तार कहेंगे सी इंसुलेटेड पेड कहेंगे या दोस्तों कॉपर लक कहेंगे आंसर दीजिए दोस्तों

कॉपर मतलब दो चीजों को एक साथ कनेक्ट करने वाली चीज को हम लक्स कह देते हैं ना? दोस्तों, वो चार ऑप्शन होगा ब्रेजिंग नहीं कहेंगे दोस्तों ठीक है सोल्डरिंग होती है यहां पर ब्रेजिंग नहीं होती सोल्डरिंग होती है तो उसे हम कह सकते हैं कॉपर लक्स भी हम कह सकते हैं जब बड़ी मोटर्स में जाओगे तो कॉपर को लक्स किया जाता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या ट्वेंटी बीस नंबर के क्वेश्चन की ओर चल देते हैं देखिए बीस नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या करा है एक नुकसान रहित यानी जिसमें लॉस ना हो ठीक है आर एल सी सर्किट में करंट होता है जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों इन ए लॉस फ्री आर एल सी सर्किट द करंट इज ए नॉन ऑर्सिलोस्कोप नॉन ऑर्सिलोस्टर या सोलेनाइड होता है स्क्वायर वेव होती है दोस्तों दोलन होता है ऑर्सिल होता है आंसर दीजिएगा दोस्तों कि एक नुकसान यानी कि आर एल सी परिपथ हो जिसमें से कोई भी मतलब लॉस नहीं होना चाहिए उसका ट्रांजिस्ट करंट होता है तो कौन सी वेब्स के अंदर मिलेगा आपको जल्दी से आंसर दीजिएगा चलिए 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 हाँ बिल्कुल देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कुछ लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन भाई बी पे एक लॉक कर दो भाई बी को लॉक कर दो जिन्होंने भी आंसर दिए एकदम शानदार भाई स्क्वायर में नहीं होगा कभी भी सोले जो, जो स्क्वायर भी होती है ना अपनी बिल्कुल सोलेनाइड जो होती है इसके अंदर हो जाएगा ठीक है स्क्वायर तो कैसी होती है पता ना स्क्वायर तो ये चौकोर वाली हम्म तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सिंसोलाइड ठीक है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका बी ऑप्शन बहुत अच्छा तो ट्रांजिस्ट करंट यानी जो करंट का ट्रांस ट्रांजिशन होता है उसमें सबसे अच्छा बिना नुकसान हो जाएगा वो ऑप्शन बीस का राइट आंसर हो जाएगा सिंसॉन जो होता है चलिए चलिए नमस्कार नमस्कार पवन भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या ट्वेंटी वन और ट्वेंटी आप के सामने आ चुका है देखिए आंसर दीजिएगा कि यदि एक लाइव तार कोई एक लाइव वायर है धातु केसिंग के साथ संपर्क में आ जाए केसिंग समझते हो जिसके अंदर उसको वायर को रखा जाता है तो अत्यधिक धारा खालिस्तान की ओर मूव करेगी किसकी ओर जाएगी ए अर्थिंग की ओर जाएगी यानी अर्थ की बी ट्रांसफार्मर की सी पावर हाउस की तरफ यह दोस्तों डी डायनेमो चलिए आंसर दीजिएगा इक्कीस नंबर के क्वेश्चन का चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा और यहां पर मेरे भाई आंसर दीजिए जल्दी जल्दी और जो आंसर दे दिए वो एक बार शेयर कर दो दादा ठीक है प्लीज रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट अभी दोस्तों से हाथ जोड़ के भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो चलिए तो राइट आंसर दोस्तों इक्कीस का जो हो जाएगा चलिए राइट आंसर जो 21 में है दोस्तों वो होगा आपका अर्थ की ओर देखो दोस्तों कभी भी आपका जब कोई भी लाइव वायर यानी जो आपका आपका क्या है दोस्तों ये फेज वायर है फेज वायर है ना दोस्तों कभी भी किसी भी चीज के संपर्क में आएगा उस समय दोस्तों अधिकतम जो करंट जाएगा वो अर्थिंग की ओर जाता है इसीलिए तो अर्थिंग लगाई जाती है कि भाई इसके संपर्क में में आ गया तो सारा करंट अर्थिंग में चल जाए ताकि जाए ताकि ह्यूमन बॉडी सेफ रह ठीक है दोस्तों चीजें क्लियर हो गई ठीक है तो इसका जो राइट आंसर ए है वो क्यों है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अर्थिंग का अर्थिंग का वर्क होता है कि सारा का सारा करंट अपने अंदर लेना इसका प्रतिरोध दोस्तों क्या होता है अगर अर्थ अर्थिंग अगर दोस्तों आदर्श अर्थिंग है तो प्रतिरोध हो जाएगा शून्य पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि अगर प्रतिरोध अर्थ आपका कैसा है अर्थ आपका है आदर्श अर्थ है तो उसका होगा रेजिस्टेंस शून्य लेकिन दोस्तों अगर कहे कि अर्थ का प्रतिरोध बताइए तो आप बताओगे वन ओम ठीक है कुछ किलो टोप देते हैं वन किलो नहीं सो ओनली वन ओम चलिए आदर्श पूछे तो जीरो हो जाएगा आइडियल अर्थिंग बिल्कुल आइडियल अर्थिंग हो जाएगी वो हो जाएगी सुनने और अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल अर्थिंग के लिए तो उसका आप एक ओम से कम बताएंगे अब शेयर कर रहे हो क्या जल्दी से कर दो यार भाई अब बाकी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर ठीक है जल्दी से कर दो एक बार जाके मैं एक बार और पानी पी लेता हूं फिर खत्म करते हैं इस क्लास को भी आज चलिए दोस्तों इसका पार्ट टू कल आएगा तो कल आना मत भूलना ना पार्ट टू कल आएगा उसका आ, बिल्कुल आपको आना है ठीक है चलिए चलिए बहुत अच्छा कुमार प्रवीण गुड टीच थैंक यू मेरे भाई चलिए राम राम डॉक्टर दौलत भाई बहुत दिन बाद दिख रहे हो यार चलिए जल्दी आ जाओ चलो जल्दी कर लेते फिर है ना मुकेश कुमार यादव जी प्रणाम नमस्कार दोस्त भाई आइए चलिए ट्वेंटी टू की ओर चलिए आंसर ठोक दीजिए जल्दी से सिलिकॉन स्टील का उपयोग इलेक्ट्रिकल मशीन में किया जाता है क्योंकि यह होती है जल्दी से बता दो तो, सिलिकॉन स्टील का यूज किया किसमें किया जाता है इलेक्ट्रिकल मशीनों में किया जाता है आपको पता होगा और दोस्तों क्यों किया जाता है इसका बताइएगा ए निम्न निम्न बी में में देखा देखा रिटेंटिविटी सी उच्च या दोस्तों डी कम स्टेरिस का नुकसान आंसर दीजिएगा जल्दी से हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी तो आंसर दीजिए आंसर देते जाए दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन करवाते हैं कम तो करवाते हैं भाई ये बिल्कुल सौ परसेंट है लेकिन दोस्तों मैं एक घंटे में पचास क्वेश्चन भी करा दूंगा लेकिन उसका करना और नहीं करना फिर आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा समझ रहे हो चलिए बात करते हैं ट्वेंटी टू नंबर के क्वेश्चन की तो बिल्कुल सही करें जो राइट आंसर दे रहे हैं डी कम स्टेरिस का लॉस होना भाई सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है सिलिकॉन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि दोस्तों स्टेरिस लॉसिस को कम करने के लिए सिलिकॉन बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आपने उसमें पढ़ा होगा किसमें अपने मोटर में जनरेटर में सिलिकॉन मिलाया जाता है आइए आंसर दीजिएगा ट्वेंटी थ्री नंबर के क्वेश्चन की ओर ट्वेंटी थ्री की ओर देखिए और आंसर दीजिए ये तो मैथ का आ गया क्या चलिए दे सकते हो तो दे दो इसका भी चलो क्या न्यूनतम संख्या एक हजार छप्पन में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग तेवीस से पूर्ण विभाजित हो सके भाई ये मैथ का एक क्वेश्चन आ चुका है अगर आप इसका देना चाहें तो दे सकते हो आंसर चलिए दे लीजिए ए दो रहेगा बी अठारह रहेगा सी तीन जोड़ोगे या डी चार जोड़ोगे थोड़ी सी मैथ तो आती होगी ना दे दो फास्ट फास्ट दे दो चलिए 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 जल्दी जल्दी अभी इसके बाद टेक्निकल के ये दो क्वेश्चन और जो भी चलिए तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ट्वेंटी थ्री का वो हो जाएगा टू ठीक है दो जोड़ने पर मतलब कि आप एक हजार छप्पन में दो जोड़ते हो तो एक हजार अट्ठावन होता है और मेरे हिसाब से दोस्तों ये तेबिस से भाग जाना चाहिए क्योंकि आंसर इसने ए दे रखा है बाकी आप चेक कर लेना मैथ में अपन ज्यादा दिमाग नहीं चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते ट्वेंटी फोर्थ चौबीस नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका आंसर दीजिए खलता छुट गया उपकरणों का उपयोग केवल मानकीकरण यंत्रों में मानकीकरण यंत्रों के रूप में प्रयोग शालाओं में अंतर्गत सीमित है मतलब आपका जो उपकरण होता है ना उसका सिर्फ यूज ओनली आपकी दोस्तों लैब तक सीमित है आंसर दीजिएगा ए इंड, इंडिकेटिंग लैम मतलब इंडिकेटिंग उपकरण है उनका सिर्फ लैब तक सीमित है या परम का है ना जो एब्सोल्यूट होते हैं या रिकॉर्डिंग का या दोस्तों इंटीग्रेटिंग का आंसर दीजिएगा प्रश्न संख्या ट्वेंटी फोर्थ आपके सामने आ चुकी है चलिए चलिए आंसर दीजिए अब देखिए अब लास्ट इसके बाद एक क्वेश्चन है तो जिनको क्लास पसंद आ रही हो लाइक ठोक दीजिए हाँ भाई जिनको पसंद आ रही हो तो लाइक ठोक सकते हैं नाइनटी फाइव हो चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास में आने का और लाइक देने का और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों देखिए प्रयोगशालाओं तक जो सीमित रहती है देखो वो होती है परम एप्सल्यूट यानी परम का मतलब हो गया आदर्श आइडियल अब आपको पता है कोई चीज आदर्श तो होती नहीं है ना तो आप आदर्श हो ना मैं आदर्श हूं ना कोई इक्विपमेंट आदर्श रह सकता किसी ना किसी में कोई ना कोई खामी होती है इसलिए कह सकते हैं इनको सिर्फ हम प्रयोगशालाओं तक रख सकते हैं फील्ड में ये वर्क नहीं करती हैं फील्ड में लॉसेस होते हैं ठीक है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्यू ऑप्शन ठीक है दोस्तों चलिए और आइए दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं पच्चीस नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है किसी भी ऐसी परिपथ में हमेशा आंसर दीजिए किसी भी किसी भी ऐसी परिपथ में हमेशा ए देखिए दोस्तों हाँ यहां से देख लीजिए देखिए देख लीजिए रिएक्टिव पावर इज मोर देन अप्रेंटिस पावर बी रिएक्टिव पावर इज मोर देन एक्टिव एक्चुअल पावर सी एक्चुअल पावर इज मोर देन रिएक्टिव पावर और अप्रेंटिस पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर देखिए हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो प्रतिक्रियाशील शक्ति अप्रेंटिस पावर से अधिक होगी प्रतिक्रियाशील शक्ति वास्तविक शक्ति से अधिक होगी और वास्तविक शक्ति प्रतिक्रियाशील से अधिक होगी या अपरेंट अप्रेंटिस शक्ति वास्तु शक्ति से अधिक होगी आंसर दीजिए दोस्तों ये है पच्चीस नंबर का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका पावर फैक्टर से ठीक है पावर फैक्टर से चलिए आंसर दीजिए ट्वेंटी थर्ड नंबर वापस ट्वेंटी थर्ड नंबर का वापस ट्वेंटी थर्ड में तो मैथ है दोस्त कर लेना मैथ का तो अब आप, आप दो जोड़ के उसमें तेईस का भाग दे दो तो, जा रहा है तो सही है चलिए देखिए दोस्तों तो इसके लिए बात करते हैं तो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने जो पावर फैक्टर पावर फैक्टर की आप क्या मानते हो पी एफ पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति ठीक है दोस्तों वास्तविक यानी कि एक्चुअल पावर और आभासी का मतलब हो गया अप्रेंटिस पावर अब दोस्तों हमेशा नीचे वाली संख्या ज्यादा रहेगी ज्यादा रहेगी कंफर्म है क्योंकि परिपथ एसी परिपथ है ठीक है हां डीसी होता तो दोनों बराबर भी हो सकती है लेकिन ऊपर वाली कभी भी ज्यादा नहीं होगी सौ परसेंट है चाहे परिपथ एसी हो चाहे परिपथ डीसी हो परिपथ यहां इसने मेजर मेंशन कर दिया है कि एसी परिपथ होगा तो आप कहेंगे कि वास्तविक शक्ति हमेशा कम रहेगी आभासी शक्ति से वैसे भी आपको पता होना चाहिए आभासी आभासी मतलब जो हम सिर्फ सोच लेते हैं मान लीजिए आपने सोचा कि कल मैं सौ रुपये कमाऊंगा चलो मैंने सोचा कि आज मेरे एक सौ इक्यावन लाइक आए एक सौ इक्यावन व्यू आएंगे ठीक है लेकिन अब वास्तविक तो क्या हुआ कि वास्तविक में आए कि नाइनटी फाइव रह गए तो वास्तविकता हमेशा आभासी से दोस्तों कम ही रहती है ठीक है आप इस तरीके से याद कर सकते हो हाँ ज्यादा भी हो सकती है लेकिन ये यह यहां इस कंडीशन में ये सेट नहीं होता है अपनी वाली कंडीशन में सेट हो सकता है ठीक है तो हमेशा याद रखना कि जो आभासी शक्ति ऊपर की एक्चुअल पावर हमेशा रिएक्टिव अप्रेंटिस पावर से क्या होगी दोस्तों कम होगी तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया डी ऑप्शन इसका राइट right आंसर हो जाएगा कि अप्रेंटिस शक्ति वास्तु शक्ति से अधिक होगी बिल्कुल सही है अप्रेंटिस शक्ति मोर देन एक्चुअल पावर चीजें क्लियर एक बार यस कर दो यहां तक आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं क्या आप लोगों को क्लियर अच्छा लगा क्लास मजा आया क्या देखिए अगर कोई क्लास में कमी हो तो कमेंट्स करके आप ही बता दीजिएगा आगे से उन चीजों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि चार डिसलाइक आ चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है ठीक है हम ये नहीं कहते हंड्रेड परसेंट है लेकिन कुछ जो कमियां आप लोग बताइएगा अगर आप लोग कहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन कराओ तो भाई वहां पर थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक भाई कह रहे हैं कि ट्वेंटी थ्री का एक बार वापस करा दो भाई एक बार ट्वेंटी थ्री पे भी चल चलते हैं भाई ट्वेंटी थ्री में ये बोल रहा है कि एक हजार छप्पन में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि तेवीस से विभाजित हो जाए तो मेरे भाई सिंपल सी बात है सबसे कम संख्या दो है फिर चार है तीन है फिर अट्ठारह है भाई दो जोड़ ले इसमें एक सौ अट्ठावन में दो जोड़ दिए वन फिफ्टी सिक्स में मान लीजिए जो दो जोड़ दिए तो वन फिफ्टी एट हो जाएगा 158 में 23 का दो, मेरे हिसाब से जा रहा होगा तभी तो इसने आंसर ए दिया है ठीक है नहीं जा रहा है तो तीन जोड़ लो भाई इसकी टेंशन नहीं लेनी है मैथमेटिक चलिए ये अपना टेक्निकल का आंसर नहीं है तो आज की क्लास में दोस्तों इतने ही आगे अगले इसके पच्चीस क्वेश्चन कल कराए जाएंगे ठीक करा है नेक्स्ट पच्चीस क्वेश्चन पचास कराएं अजीत अजय भाई लेकिन पचास में दोस्त बहुत टाइम लगता है और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चीजों को समझ के करें रटे नहीं चलिए इनका आंसर भी शो किया करो बिल्कुल बिल्कुल कल इसकी पीडीएफ ये 25 क्वेश्चन जब होंगे तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी तो आज के लिए बवाए दोस्तों गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स स्वस्थ रहें मस्त रहें व्यस्त रहें और अपने आपका ध्यान रखें कोरोना देखिए महामारी जो चल रही है उस पेंडेमिक को नजर रखते हुए आप अपने घर पे रहें अपनी फैमिली और अपना ख्याल रखिए दोस्तों ठीक है आप लोग आ जाइए करो डेली शाम को नौ बजे आया करो और जितने ज्यादा हो सकता है दोस्तों आज एक छोटा सा टारगेट आप लोगों को मैं दे रहा हूं दोस्तों अगर आप मेरी बात मान सकते हो सिक्सटी लोग अभी देख रहे हैं अगर दोस्तों आप एक एक भी सब्सक्राइब करेंगे तो सिक्सटी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप लोग अपना प्यार दिखा सकते हैं आप अपने फैमिली मेंबर किसी के अपने यार दोस्त के लिए एक सब्सक्राइबर प्लीज सिर्फ एक दोस्त से एक ठीक है दोस्तों तो ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बाय बाय दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में मजेदार टॉपिक के साथ बाय बाय गुड नाइट मस्त रहिए दोस्तों